सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का जो 5th चैप्टर था उसका थोड़े से पॉइंट हमारे बचे थे, वो पॉइंट हम आज कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल पार्ट 3। ठीक, तो अपना जो पॉइंट बचा था वो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो हम होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसका कल्चर करने के लिए या उसका कंजर्वेशन करने के लिए हम बताते हैं। मतलब उसमें फ्लोरा फौना और लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब वहाँ पर उस एरिया के जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स है वहाँ पर भी हम उसको सेव करके रखते हैं और फुल इकोसिस्टम में उसको भी प्रोटेक्ट करके रहते हैं। तो वहाँ पर बच्चे मतलब जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर घूमते घूमते कहाँ पर गए, तो उन्होंने बोर्ड देखा था कि सातपुरा नेशनल पार्क। तो उनको एक क्यूरियोसिटी हुई थी कि ये उसके बारे में भी जानना है कि क्या है नेशनल पार्क, सातपुरा नेशनल पार्क। तो वहाँ पर उन्होंने देखा था कि माधव जी और उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो है सातपुरा नेशनल पार्क टाइगर के लिए वहाँ पर रिजर्व रखा है, मतलब जो टाइगर से वहाँ पर उनका कल्चर के लिए उनका जो ब्रीडिंग है उनका जो रिप्रोडक्शन है वहाँ पर उनका उनका जो पॉपुलेशन है उसको ग्रो करने के लिए वहाँ पर वो एरिया कंजर्व किया है। कौन सा? सातपुरा नेशनल पार्क। और सातपुरा नेशनल पार्क जो क्या है, फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का। वहाँ पर उनने मतलब अपनी गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसको प्रोटेक्ट किया था, मतलब फर्स्ट रिजर्व किया था। मतलब इंडियन जो टीक उड़े वहां पर ये मिलता है कौन से, अपने सातपुरा नेशनल पार्क में। तो सातपुरा नेशनल पार्क है क्या, दे प्रिजर्व फ्लोरा फाउना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। मतलब अपने एरिया के जो वहां पर नेशनल सातपुरा होगा, सातपुरा के जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स है वहां पर उन्होंने भी कंजर्वेशन किया होगा। वहां पर उन्होंने उनके लाइफ स्पैन के लिए उनका जो कंडीशन वगैरह है और जो हमारे अगले वाले जनरेशन है उनको दिखाने के लिए बहुत सारे अपने जो डे टू डे लाइफ से जो अपना लाइफ साइकिल है वहां पर वो जुड़ा है उनके साथ, इसके लिए वहां पर वो क्या सेव करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि फर्स्ट फॉरेस्ट है इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया का क्या है, फर्स्ट फॉरेस्ट है, मतलब इंडियन टी कूड यहाँ पर मिलता है, मतलब सतपुरा नेशनल पार्क में। रॉक शेल्टर आल्सो फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर मतलब जो पत्थर वगैरह है रॉक के जो उन्होंने घर वगैरह बनाए हैं, मतलब जो वहाँ पर ट्राइबल रहते थे वहाँ पर पहले जो आदमी वगैरह रहते थे जो जंगली हम उनको बोल सकते ट्राइबल बोल सकते हैं या कोई आदिवासी जमाती वगैरह हो वहाँ पर आदिवासी जमाती रहती होंगी या कुछ अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पर रहते होंगे जो ट्राइबल्स के थे, जमीन के मतलब वो जंगल से जुड़े वगैरह होते हैं उनको हम ट्राइबल्स बोलते हैं। तो वहाँ पर उनके पत्थर के जो मकान है छोटे तो छोटे घर है उन्हें रहने के लिए, ठंडी से वगैरह बचाव करने के लिए कोई और चीजें वगैरह वहाँ पर उन्होंने बनाए हैं। तो रॉक शेल्टर्स वगैरह भी अभी भी सातपुरा नेशनल पार्क में दिखाई मिलते हैं। मतलब ये इस बात का सबूत है कि ह्यूमन लाइफ जो है उस जंगल में अभी भी मौजूद है, वहां पर मौजूद थी, इस बात का ये सबूत देती है। दे गिव एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल, मतलब उनकी लाइफ कैसे रहती है, उनका जीवन मतलब रहन सहन कैसे रहता था उसके बारे में हमें जानने को मिलते हैं। मतलब उनके घर, बाकी सब चीजें, रहने की जगह, वो जंगल में कैसे बिहेव वगैरह करते होंगे, उन्होंने वहां पर पेंटिंग वगैरह बनाई थी, तो उनके पास जमाने में कौन कौन से ऐसे हथियार वगैरह रहते थे, कौन से वेपन्स वगैरह वो यूज करते थे जंगली जानवर को वगैरह मारने के लिए या हम के प्रोटेक्शन के लिए कौन से चीजें वगैरह इस्तेमाल करते होंगे अपने आप को बचाव करने के लिए। तो डांस वगैरह यहाँ पर दिखाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो वहाँ पर उनकी, फाइटिंग वगैरह, ये हंटिंग वगैरह मतलब शिकार कैसे करते थे, डांसिंग, प्लेइंग मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या है। मतलब उनके जो पीढ़ी थी उनका जो एक्चुअल एंसेस्टर था हम जो मतलब एक क्या बोल सकते हैं उनकी पीढ़ी ही बोल सकते हैं उनकी, क्योंकि उनके जमाने में वो वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, उनके जमाने में क्या क्या होता था। जब हम अपने जमाने में दिखाते कि हमारे पास ये है वो है, अपने पास बड़े बड़े स्कूल वगैरह है, पेंटिंग वगैरह कैसे बनाते, उनने रॉक पेंटिंग बनाई पूरी की पूरी। उनके पास वहाँ पर कागज पहले मौजूद नहीं था, इतना जो अपना साइंस है वो इतना डेवलप नहीं हो चुका था, तो उनके बारे में मतलब रॉक पे कुछ ना कुछ पेंटिंग वगैरह निकालते रहते थे। तो यहाँ पर अभी पंचमढ़ी बायोस्फीयर में 55 ऐसे रॉक शेल्टर से वहां पर दिखाई देने मिलते हैं, मतलब दिखाई अभी भी मौजूद है वहां पर, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है तो वहां पर है। मतलब वहां पर उन्होंने उनके जो पूरा का पूरा लाइफ स्पैन था, पूरा का पूरा जीवन था वो रॉक में सब पेंटिंग वगैरह बनाकर दिखाया कि उस जमाने में कैसे रहता था।
ठीक है, वहां पर म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट वगैरह। तो कभी ये रॉक शेल्टर्स वगैरह मैंने चित्र वगैरह बनाए हैं, रॉक शेल्टर्स का भी देख लेना। वहां पर जब पंचमढ़ी पास पर रिजर्व जाएंगे तो सातपुरा नेशनल पार्क में या पंचमढ़ी नेशनल पार्क में आपको ये दिखाई मिलेगा। तो पूरा ट्राइबल के बारे में उन्होंने जाना है, अपने जो लाइफ है हम कैसे किताबों में लिखते हैं, अभी जो अपने बायोग्राफी वगैरह लिखते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर उनकी बायोग्राफी पूरा का पूरा जीवन का सार वहाँ पर पत्थर में वगैरह रख दिए हैं। और उनके बारे में कोई भी मकान वगैरह से बनाते हैं, रॉक शेल्टर्स वगैरह बनाते हैं, उन्होंने बनाए थे वहाँ पर, उन्होंने उस बारे में जानने की और अगली पीढ़ी को अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको बताने के लिए वहाँ पर बहुत अच्छा ये रॉक शेल्टर्स वगैरह बना के रखे उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर भी पेंटिंग है, देखिए यहाँ पर मतलब उनके बारे में अगर जानना है तो रॉक शेल्टर्स को अच्छे से आप बारीकी से हमें देखना पड़ेगा। रॉक शेल्टर्स उन्होंने क्या बहुत अच्छी है बखूबी तरीके से चित्र वगैरह बनाए हैं। तो अलग अलग चित्र पकड़, यहाँ पर घोड़ा वगैरह घोड़े पर बैठा है, यहाँ पर देखिए तलवार वगैरह है, यहाँ पर हाथ में वेपन से उनके मतलब कैसे मारते होंगे, यहाँ पर इंद्रधनुष जैसा कोई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उन्हें अपने लाइफ स्पैन के बारे में, यहाँ पर देखिए घोड़ा वगैरह है, यहाँ पर देखिए कोई चक्का वगैरह हाथ में लेके घूम रहा है। ठीक है, तो कोई कोई बच्चों ने वगैरह निकाला होगा, ऐसे अलग अलग चित्र है उनके लाइफ के बारे में बताते हैं। अगर उनकी लाइफ जाननी है तो यहाँ पर चित्र वगैरह पढ़ कर या ब्लॉग शेल्टर्स वगैरह जो उन्होंने बनाए हैं हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो ये चित्र हमसे बातें करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में सब बताते हैं जो ट्रैवल से वापस सातपुरा नेशनल पार्क में पंचमढ़ी बायोस्फीयर में, उनके बारे में हम इस बार इस दौरान या इस चित्र को देखकर हम और भी ज्यादा जान सकते हैं। तो सातपुरा नेशनल पार्क में क्या है, जो बारासिंगा है, टाइगर है और जो वाइल्ड बफेलो है, वहां पर एक जमाने में हमें दिखाई मिलती थी। कैसे मतलब जो जो टाइगर्स वगैरह उनका पॉपुलेशन बहुत था उस बारे में, लेकिन अभी अभी क्या है जो बहुत सारे स्पेसिस है डिसअपीयर हो चुकी है, डिसअपीयर होने के कगार पे है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पेसिस, मतलब एनिमल का नंबर क्या पहले बहुत ज्यादा था लेकिन अभी धीरे धीरे एक्सटिंक्शन हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर्ड प्लांट भी होते हैं एंडेंजर्ड एनिमल, मतलब जो बारहसिंगा है, पहले जमाने में अगर सतपुरा नेशनल पार्क में, तो भारत में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर ये बारहसिंगा दिखाई मिलता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बारहसिंगा की अगर कोई दो ही प्रजाति बची है, वो भी सतपुरा नेशनल पार्क में, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये दो ही प्रजाति पर उसका ब्रीडिंग नहीं बढ़ रहा है, उसका रिप्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, अगर उसका पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, अगर दो ही बचे पूरे भारत में, तो हम क्या बोलते हैं उसको, एंडेंजर्ड एनिमल ऑफ बारहसिंगा। तो इंडेंजर्ड एनिमल जो है बारहसिंगा, उसको हम मेंशन करते हैं, उसको हम इंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं। मतलब तो जो भी कोई एनिमल वगैरह जो नष्ट होने के कगार पे, उसको हम एंडेंजर्ड एनिमल, मतलब ये एनिमल जो है का एंडेंजर्ड है, तो उसका पॉपुलेशन हमें ग्रो करना चाहिए, उसके कंजर्व के लिए, उसके बचाव के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होगी, तो ही उसका पॉपुलेशन वगैरह बढ़ पाएगा। तो ऐसे है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स है, उसको हम एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट बोलते हैं, क्योंकि उस एरिया में सिर्फ वही एनिमल अभी जिंदा है या एक दो ही स्पेसिस बची है, तो उनके कंजर्वेशन के लिए हम बहुत सारे ऐसे उपाय वगैरह करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल जो हम जो नेशनल पार्क्स है उसमें भी बहुत सारे से प्रोटेक्ट करते रहते हैं, मतलब बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट हैं उनको प्रोटेक्ट के लिए हम बहुत सारे उपाय योजना वगैरह करते थे। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल ही एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या उनको ही हम इंडेंजर्ड एनिमल बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेसिस है स्नेक की, फ्रॉग की, लिजर्ड की, बैट्स की, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी है या कुछ कुछ छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्पेसिस भी एक्सटिंक्ट हो रही है, तो वो भी नष्ट होने के कगार पे है, तो वो भी हम क्या बोलते हैं उसको, एंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर होल इकोसिस्टम नेशनल पार्क जो है उसमें होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया हुआ है, मतलब कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म, सिर्फ बड़े बड़े प्राणी वगैरह नहीं है, तो हालांकि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी है उनके लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क वगैरह काफी मदद करते हैं। तो अपना पॉइंट है रेड डाटा बुक। तो हाँ, अभी हमने पॉइंट देखा कि जो एंडेंजर्ड एनिमल है, अगर कोई स्पेसिस जो है एंडेंजर्ड है या कोई स्पेसिस नष्ट होने के कगार पे है, उनको हम क्या करते हैं, एक बुक में मेंटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक भी। रेड डाटा बुक इज द सोर्स ऑफ बुक विच कीप द रिकॉर्ड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। तो एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट है जो नष्ट होने वाले है या नष्ट होने के कगार पे है, उनको हम क्या करते हैं, रेड डाटा बुक में मेंटेन करते हैं। जो बुक में मेंटेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक बोलते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनल बाय एन ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल भी ये मेंटेन कर रहे हैं और अपने इंडिया में भी है, जो जो बुक मतलब मेंटेन करता है उसको भी रेड डाटा बुक में, मतलब अपने भारत में कौन कौन से ऐसे स्पेसिस थी, पहले थी लेकिन अभी नहीं है, नष्ट होने के कगार पे। उसका पॉल्यूशन पहले बहुत ज्यादा था, पहले टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था लेकिन अभी नष्ट होने के कगार पे कम कम होता जा रहा है, तो हमने उसको क्या मेंटेन किया है अच्छे से, मतलब उसको मेंटेन किया है, उसका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कोई ना कोई हम एरिया कंजर्व वगैरह करते रहते हैं। अगर एक जगह पे बहुत सारे टाइगर वगैरह दिखाई दे तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उस एरिया को कंजर्व वगैरह करते रहती है ताकि उनका पॉपुलेशन वगैरह बढ़े। ठीक, तो अपने इंडिया में भी वो एक बुक मेंटेन किया जाता है, उसको भी रेड डाटा बुक कहते हैं, और हम वो इंडिया मेंटेन करता है उस बुक, मतलब इंडिया के जो स्पेसिस है मोस्टली इंडिया में पहले पाए जाते लेकिन अभी नहीं है या नष्ट होने के कगार पे है, उस स्पेसिस को हम रेड डाटा के बुक के अंदर मेंटेन करते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब यहाँ पर उन्होंने बर्ड्स का माइग्रेशन दिया है। ठीक है, तो बर्ड्स का माइग्रेशन क्या है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कोई काम के लिए, कुछ कोई कोई अपना घर वगैरह अलग जगह शिफ्ट करता है, माइग्रेशन करता है, तो कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने क्या अपने घर में माइग्रेट किए थे, मतलब वापसी जाना अपने घर में या कुछ नेटिव प्लेस में वगैरह जाना, एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाना कोई ना कोई काम के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने बर्ड का माइग्रेशन पॉइंट दिया है। तो माइग्रेटेड बर्ड्स क्या है, फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम, मतलब वो कुछ जो बर्ड्स होते हैं बहुत सारे दूरी तय करके पार करके आते हैं या उड़कर वगैरह आते हैं, पंछी फ्लाई करके आते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेसेस मतलब वहां पर बहुत सारे ऐसे ठंडी वगैरह पड़ रही होगी या बर्फ छान बर्फ वगैरह पड़ रहा है बहुत सारे, मतलब अगर हिमालय के जो बर्ड्स है वहां पर कोई अलग जगह शिफ्ट करने को, जब बर्फ का मतलब जब बर्फ अगर ज्यादातर गिरता है तो उस टाइम क्या पर्टिकुलर बर्ड्स जो है माइग्रेशन करते हैं, मतलब अलग एरिया में ट्रेवल करते रहते हैं और अलग एरिया में जाकर रहते हैं उस पर्टिकुलर सीजन के लिए, तो उनके लिए क्या वो सीजन अच्छा नहीं होगा, तो उनके रहने सहने के लिए वो सीजन में अगर उनकी स्पेसिस अगर नहीं सर्वाइव कर पा रहे तो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, मतलब उन्होंने दे फ्लाई और लेइंग एग्स एट द वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट, तो उन्होंने कहा कि आज वेरी अगर उनके कंडीशन के लिए अगर उनकी स्पेसिस ही वहां पर ग्रो नहीं हो रही है, उनको वो रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं कर पा रहे, तो अलग अपना अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बर्ड क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं और वहाँ पर अलग एरिया में जाकर रहते हैं और वहाँ पर उनका ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, लेग्स वगैरह मतलब एग्स वगैरह अंडे वगैरह डालते हैं, तो उनके सर्वाइव के लिए उनके स्पेसिस को बढ़ाने के लिए हालांकि बर्ड्स वगैरह इसे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वहां पर वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए बर्ड क्या वगैरह का माइग्रेशन करते हैं वो पर्टिकुलर स्पेसिस में, तो जो जो पंछी वगैरह है अलग एक सुटेबल कंडीशन में रहने के लिए जो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं एट पर्टिकुलर सीजन के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर है माइग्रेशन का पॉइंट। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यहाँ पर रिसाइकलिंग का पॉइंट आए, रिसाइकलिंग मतलब क्या, हम जो पन्ना वगैरह यूज करते हैं, नोटबुक वगैरह यूज करते हैं, वो कहाँ से आते हैं आप सभी को मालूम है कि वो पेड़ से बनाए जाते हैं, मतलब जो प्लांट है प्लांट से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि 17 फुल ग्रोन ट्री आज टू मेक 2 1 टन पेपर, मतलब 1 टन पेपर निकालने के लिए हमें 17 पेड़ काटने पड़ते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो उसका अंदर केमिकल वगैरह डालते होंगे, तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह खर्चा वगैरह जो है, उसके बाद वो पानी वगैरह बहुत सारे यूज करते हैं, तो हमारे लिए क्या है पेपर हमें सेव करना चाहिए, एक पेपर क्या है रिसाइकल करना चाहिए, मतलब एक पेपर 5 से 7 बार रिसाइकल होता है तो उसको रिसाइकल करके यूज करना चाहते हैं, हमें भी पत्ते वगैरह जो अपने जो पन्ने वगैरह है अच्छे से यूज करके उसका रीयूज करना चाहिए, ताकि हम जो पेड़ कटने से बचें, अगर हम इतना यूज नहीं करेंगे या थोड़ा सा संभाल कर यूज करेंगे या रिसाइकल करेंगे तो पेड़ को कम काटने पड़ेंगे, अगर इतना जरूरत ही नहीं होगा तो नोटबुक वगैरह वाले बनाएंगे भी नहीं और पेड़ भी नहीं कटेंगे इतने। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, तो इससे हमें बहुत सारे एनर्जी भी सेव होते हैं और हालांकि वाटर भी सेव होता है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है मैन मेड पावर वगैरह वो भी सेव होते होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंजर्वेशन ऐसे करते हैं या डिफोरेस्टेशन होता है अपने पूरे लाइफ में पूरे चैप्टर में, तो जो डिफोरेस्टेशन और डिजर्टिफिकेशन है उसको बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो उसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम, रिफोरेस्टेशन कर सकते हैं,
मतलब अपना फॉरेस्ट जो वैनिश हो चुका है तो उसको हम फिर से फॉरेस्ट बनाएंगे, या तो हम पेड़ पौधे वगैरह लगाकर फॉरेस्ट बनाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे उन्होंने हालांकि बहुत अच्छे फॉरेस्ट मेंटेन किए। मतलब वो क्या करते हैं, हर साल में या कुछ इस साल में, मतलब हर एक ईयर में उनकी दिन भर में कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है जो फॉरेस्ट को बचाने में हालांकि आगे रहते। तो बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो हालांकि रिफॉरेस्टिंग के लिए मदद करते हैं। और हमने जो विट्रोकल्चर है, मतलब लैब में भी हम बहुत सारे ऐसे पेड़ वगैरह हालांकि लार्ज लेवल पे बनाते हैं, तो प्लांट में मतलब वहाँ पर फॉरेस्ट में जाकर मतलब हम उसको क्या करते हैं, शो वगैरह करते हैं या लगाते हैं, तो उसके भी फॉरेस्ट बढ़ने लगता है। तो उसको फॉरेस्ट को बचाने के लिए, हमारा लाइफ वगैरह बचाने के लिए ज़्यादातर टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज ना होने देना, ये बाकी जो हमें परेशानी जो नेचुरल कैलेमिटीज हमने देखी थी इस लेक्चर में, मतलब आपने जो पार्ट में देखी थी, तो उसके लिए हम बचाव कर सकते, मतलब फॉरेस्ट को रिफॉरेस्ट कर सकते हैं, फिर इसको फॉरेस्ट लगाकर पेड़ पौधे लगाकर हम अपना फॉरेस्ट जो है दोबारा बना सकते हैं, ताकि हमें कोई नेचुरल कैलेमिटीज है उनसे परेशानी झेलनी ना पड़े या कम होए, उसके लिए हम बहुत सारे ऐसे उपाय योजना वगैरह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो पूरा चैप्टर था वहाँ पर खत्म हो चुका है, यहाँ पर रिफॉरेस्टेशन ये लास्ट पॉइंट था। अगर इस पार्ट में कोई भी दिक्कत होगा बेझिझक कमेंट में बताइए मुझे। हालांकि मैंने अपने जो बाकी दो वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर चुका है, अनमोल एकेडमी पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बायोलॉजी का मैंने लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा जरूर। तो यहाँ पर जो पॉइंट वगैरह कवर किए थे, अगर पॉइंट में आपको कोई दिक्कत वगैरह हो तो भी मुझे बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।